हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह में, जैसे 11 बजे से, क्योंकि 11 बजे हमारे बुआ और फूफा आए हैं, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो जैसे वो लोग घर से खाना खा के सुबह आ गए थे, तो खाना वगैरह नहीं खाना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अच्छा सुबह से वो लोग खा के चल दिए हैं गांव में, तो बहुत जल्दी गांव से आए थे, तो वो लोग गांव में जल्दी खा लेते हैं खाना, जैसे लगभग 8, 8:30, 9 बजे तक खा लेते हैं सब। तो उन्होंने कहा, मैंने खाना तो खा लिया, तो सोचे कि ऐसे कैसे बैठा रखूँ, तो मैंने सोचा चलो पकौड़े तल लेती हूँ जल्दी से। और फिर बुआ बोली कि घूमने के लिए गोरखनाथ जाना है, तो मैंने कहा चलो अच्छा घूम आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यही नाश्ता बना रहे हैं, जैसे अभी आए हैं वो लोग, तो पानी देंगे, पहले पानी पीने को ले देंगे, तो हमारे यहाँ ऐसे पहले मिठाइयाँ और पानी दे देते हैं। तो इधर मैं पानी गर्म करने के लिए रख रही थी, क्योंकि सर्दियों में गर्म पानी, तो ये हमारे पेठा है और काजू कतली है, हमने पानी में पानी के साथ दे रही हूँ, इसे मीठा खा के पानी पियेंगे। और फ्रेंड्स, इधर तल रहे हैं पकौड़ियाँ गोभी की, तो आजकल गोभी का सीज़न है, तो गोभी की पकौड़ियाँ ही तलती हूँ, और गर्म पानी ठंडा पानी दोनों बाहर रखाई हूँ। अब मैं चाय भी, मेरा हो गया है, तो देखिए मैंने चाय भी छान दिया है, और देंगे अब चाय पकौड़े, तो ये सब चाय पकौड़े का एंजॉय करेंगे। तब तक मैं अपना किचन समेट दूँगी, क्योंकि जब जहाँ सब लोग खा रहे हैं वहाँ का ब्लॉग मैं नहीं शूट करूँगी, पता नहीं उनको कैसा लगेगा, पहली बार ही आए मेरे घर पर, तो मैं वहाँ पर नहीं शूट कर रही हूँ कोई ब्लॉग वगैरह। तो फ्रेंड्स, हम अब जाएंगे गोरखनाथ, तो सब नाश्ता कर लिए हैं, कर लिए घर पे, और हम लोग आ चुके हैं गोरखनाथ मंदिर। तो फ्रेंड्स देखिए कितना बड़ा जगह है गोरखनाथ मंदिर, और कितने अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। गोरखपुर में तो गोरखनाथ मंदिर मशहूर है, मतलब सामने जस्ट मंदिर दिख रहा है, इधर इधर टीना शेड लगा है आने जाने के मंदिर तक, और साइड में बीच में ये पानी का वो जो फुहारा वाला होता है वो लगा हुआ है, किनारे किनारे अशोक का पेड़ लगा हुआ है। और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, तो इधर हम लोग मंदिर में मतलब प्रवेश कर रहे हैं, आगे मैं हूँ और मेरी बुआ है ये गुलाबी साड़ी वाली, और अम्मा है साथ में, तो हम तीनों जा रहे हैं, और फूफा जी और ये आगे निकल गए हैं, और ये हम लोग सीढ़ियों पर स्टार्ट करें। और फ्रेंड्स, आजकल मंदिर में बहुत काम चल रहा है, जैसे खिचड़ी आने वाला है, तो मंदिर की पेंटिंग वगैरह हो रहा है। तो इधर देखिए बहुत बड़ा जगह हो गया है, कि मतलब पहले तो इतना बढ़िया नहीं था, अब तो बहुत अच्छा हो गया, और ये मंदिर है तो कलर बहुत अच्छा सब कर रहे हैं, और इधर साइड में भी मंदिर बन चुके हैं, मतलब बहुत अच्छा है। और ज़्यादा इधर भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि फटाफट भीड़ हटा रहे हैं, क्यों हो रहा है पेंट, तो हम लोग भी जा रहे हैं, तो भैया बोल रहे हैं जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी से निकलो मंदिर से, काम हो रहा है। तो बुआ नहीं आती तो अब हम लोग खिचड़ी में डायरेक्ट जाते, लेकिन बुआ आ गई थी तो उनको जाना था, मन था उनका, तो हम लोग कहा कि चलो अच्छा मैं बुआ के साथ होने जा रही हूँ, कि बुआ पीछे रह गई, मैं आगे आगे आ गई हूँ, तो मैं वापस जा रही हूँ उनको बुलाने। तो इधर बुआ भी हंसते हुए आ गई हैं। और फ्रेंड्स, मैं बता रही थी कि लखनऊ में हमारे हम नंद हैं, तो वीडियो शूट कर रही, तो कैमरा ऑन किए भी ना कर रही थी, तो बड़ी हंसी हो रही उस बात पे। और ये देखिए सारे मंदिर में काम हो रहे हैं, और इतने जल्दी में सब भगा रहे हैं, कि मतलब ठीक से भगवान जी को देख भी नहीं पा रहे थे। ये है हमारे गोरखनाथ बाबा जी, ये देखिए इधर हैं भोलेनाथ जी। तो फ्रेंड्स, अब इधर से हम लोग आ गए हैं इधर हनुमान जी के पास, तो बिल्कुल कम समय दे रहे हैं सब, कि मतलब 5 मिनट भी नहीं खड़े होने दे रहे हैं। तो इधर से हम लोग आ गए हैं, ये बजरंगबली का मंदिर है, जस्ट गोरखनाथ बाबा के जस्ट बगल में ही है। इधर अगर हम जाते हैं तो दाएं तरफ पड़ते हैं, आते हैं तो बाएं तरफ पड़ते हैं, इस तरह इनका है, और सीधे मुझे बैठे तो दाएं तरफ पड़ेंगे, इधर बाएं तरफ। तो ये हैं हनुमान जी के मंदिर, और इस साइड में देखिए इतने अच्छे पत्थर वगैरह लगे हैं, बहुत मतलब बड़ा जगह है। और इधर हवन कुंड है, तो ये मेन हवन कुंड इधर साइड में पड़ रहा है, और ये लोग ये फूफा जी बीच में अभी आ रहे हैं। तो इस तरह हम लोग घूम रहे थे पूरा मंदिर में,
और इधर से अभी आंटी लोग थी और प्रिंस, ये यहाँ पे हजारों के संख्या में ऋषि मुनि सब बैठे, मतलब मूर्तियाँ बनी हैं ऋषियों को, जो योगी महायोगी थे सबकी मूर्तियाँ बनी हुई है सबको, मतलब साथ में लिखा हुआ है, तो उतना तो पढ़ के नहीं सुना पाएंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ये है कि हाँ योगी ऋषि मुनियों। और वहाँ पे अंदर जाते ही ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मतलब कोई नहीं है, सिर्फ घूमने का जगह, ऐसा लगता है वास्तव में हम ऋषि मुनियों के बीच में ही आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, संतों के संग तो अच्छी बनती ही है, गाना भी है, भजन है, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, तो वास्तव में अच्छी बनती है संतों के संग में लागने से। कभी कभी ज़रूर सत्संग जाना चाहिए, और इस तरह मंदिर वगैरह भी चले जाना चाहिए थोड़ा समय निकाल के, अच्छा फील होता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके और सारे यहाँ पे दर्शन करके, और फ्रेंड्स ये मंदिर के पीछे एक और है बहुत बड़ा, यहाँ पे भी सभी वही ऋषि मुनियों वाला बना है, मतलब दो जगहों में दो हॉल जैसा है, दो बना रखे हैं, तो ये थोड़ा उनसे दूरी पड़ता है, पीछे पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो पुराने वाले बाबा जी थे गुरु जी, उनका तस्वीर लगा हुआ है बड़े वाले में, और इधर साथ में बहुत सारे ऋषि मुनि हैं। और ये देखिए एक साइड से चारों तरफ बहुत बड़ा हॉल है, कम से कम होगा 500 स्क्वायर फीट में तो होगा ही, बहुत 500 क्या बोल से, हाँ स्क्वायर फीट ही बोलते हैं, उतने में तो होगा ही, बहुत ज़्यादा जगह है, मतलब यहाँ से वहाँ तक घूमने में 20-25 मिनट किनारे किनारे से लग जाता है। और सब जगह पे मैंने पहले भी बताया, वहाँ भी यही था लिखा हुआ था, और वहाँ इसमें ऐसा कोई नहीं है देवी देवता जो यहाँ पे नहीं, ये देखिए राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, और साथ में इधर सब शिवाजी छत्री थे वो थे, मतलब सारे लोग हैं। और ये फ्रेंड्स मंदिर के पीछे का हिस्सा है, जहाँ पे मंदिर के पीछे है ये, इधर फूल पत्तियाँ भी लगे हुए हैं, एरिया बहुत बड़ा है, पहले ऐसा नहीं लग रहा था लेकिन अब तो बहुत बड़ा एरिया, और इधर भी कुछ बन ही रहा है, अभी कुछ साँचा नहीं दिख रहा है लेकिन छत लगा हुआ कुछ बन रहा है, और साइड में भी मंदिर बन रहे हैं, और इधर की देखिए फूलों की खेती हो रही, फूल इस साल थोड़ा सा पीछे हमको लगता है क्योंकि अभी फूल नहीं खिले हैं, लेकिन हाँ खिचड़ी तक तो बहुत फूल हो जाएंगे फ्रेंड्स, से एक महीना खिचड़ी है। अगर आप गोरखपुर के आसपास के हैं तो ज़रूर आइएगा, बहुत बढ़िया मेला लगता है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये नए बने हुए हैं नंदी महाराज, पीतल के बने हुए हैं, और ये शीशा में मतलब बैठाए गए हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, नंदी जी बैठे हैं जस भोलेनाथ के सामने हैं, मंदिर के, मंदिर के सामने ही रहते हैं मंदिर सारे, एक ही तो दिन इस में तरह ये से तालाब खत्म कर बनाते सकता हैं हूँ एक दिन में, एक रात में सोचो, और ऐसे नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर, बहुत गहरा, इसमें बोट वगैरह चलता है, और इसमें ये लाइव शो भी चलता है, जिसे अच्छा दाम में चलता है ना, लाइव शो उसमें दिखाता है भगवान गोरखनाथ जी की पूरी कहानी, बताता है कि मतलब गोरखनाथ जी कैसे कैसे यहाँ पे आए, और जो भी घटनाएं घटी थी उस समय उस सब चीज़ों के बारे में दिखाया जाता है। पर आज हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि अभी हम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं, और शो स्टार्ट होता है 7 बजे के बाद, 7:30 बजे तक, तो आज हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये देखो ये सारे मशीनें जो लगी हुई हैं तालाब में, ये सब बहुत अच्छे से, वो एकदम जो फुहारा वाला पानी होता है इस तरह कलरफुल, ये सब इसमें से देता है, हाँ ये सब होता है इसमें। बुआ इधर आओ, बुआ इधर आओ, ये भीम जी महाराज हैं, ये जो तालाब है यहाँ पे, ये भीम जी महाराज एक दिन में एक रात में इतने बड़े हैं, जैसे इनका भीम जी नाम था वैसे ही है बिल्कुल, पता है बुआ, एक एक रात में ये तालाब खोदाई करे थे ये, हाँ एक रात में, और उसके बाद फिर थक हार के सो गए, तो इनकी इस तरह से मतलब ऐसे बना दिए प्रतिमा मूर्ति कि सोते हुए, बिल्कुल तब से हाँ थक हार के सो गए, तब से इनका सोया हुआ ये बना हुआ है। यहाँ से स्टार्ट होता है मेला गोरखनाथ जी का, और ये सारे दुकानें एक लाइनों से लगी हुई हैं यहाँ पे, और इधर सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, चीज़ें चूड़ी बिंदी मतलब अच्छी चीज़ें मिल जाते हैं, जिसको आवश्यकता है वो खरीदते ही हैं। हाँ माँ, हाँ बुआ, लेना है, हाँ? लेना है बुआ, आओ जब कुछ लेना है तो बता दो, हाँ क्या आ जाओ अभी ना, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है,
रहे हम लोग चना जोर ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं चना जोर, जो भी पूरी जो भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इतनी देर बनी रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे दबाइए, हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, और इतनी देर आप लोग बने रहते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये